रायबरेली के भदोखर और बचरावा थाना क्षेत्र में पुलिस को समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए टॉप 10 अपराधियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नीरज यादव भदोखर थाना क्षेत्र के चिरानीहार का रहने वाला है, जिसका नाम जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल है। पुलिस ने उसे भनवा प्राइमरी पाठशाला के पास अवैध हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है। जबकि उधर बचरावा पुलिस ने 2 युवकों को अवैध तमंचा बनाते हुए खैरहनी के पास से गिरफ्तार किया है। आज थाना बचरावा जनपद रायबरेली में थाना अध्यक्ष बचरावा ने एक अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें जो उन्होंने 2 मुलजिम जिनका नाम अशोक और सुनील है, जो कि गैंगस्टर में वांछित थे, उनको गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही पास वो जो है एक अवैध तमंचा फैक्ट्री भी चला रहे थे, इसके पास से इनको इन दोनों के पास से 13 तमंचे जो 315 और 12 बोर के हैं और 19 कारतूस मिले। इसके अलावा एक इनको धौकनी जिसे जो तमंचा बनाने में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे औजार जो तमंचा बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा बरामद किया गया। ये दोनों मुलजिम जो अशोक और सुनील हैं, ये बचरावा के काफ़ी कुख्यात मुलजिम हैं। इनके ऊपर 10-10 मुकदमे हैं और ये गैंगस्टर में वांछित भी चल रहे थे और इनके ऊपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी था। तो ये इस तरीके से थाना बचरावा पुलिस ने इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए एक सस्त फैक्ट्री बरामद की है, जो एक अच्छा काम है। सर, गिरोह में अभी भी कोई ऐसा है जो बाहर चला? हाँ, अभी भी जो इनके साथ गिरोह का एक और वांछित है जिसका नाम यहाँ लेना उचित नहीं होगा और उसको फरार चल रहा है, शीघ्र ही उसका गिरफ्तार करके इनका कनेक्शन मिल जाएगा। सर, कब से ये फैक्ट्री चल रही थी? ये फैक्ट्री जो है वो काफ़ी दिनों से रन कर रही थी और मुख्य रूप से जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये तमंचा 5,000 से 10,000 रुपये के रूप में बेचते थे और इनको जो है अपने पुराने मुकदमों की जो पैरवी थी उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी, इसी वजह से ये इस तरह का काम। सर, जहाँ बेचते खरीदते थे उन पर भी कोई कार्रवाई? लखनऊ के आसपास के जिलों में इनका पूरा जहाँ बेचते थे उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, वो पुलिस पूरी जानकारी कर रही है, उसका खुलासा अलग से। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट।